छोड़कर जाना नहीं चाहता काका सर, इसलिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा चलिए, आप मुझे एक बात बताइए, आखिरी बार हमारे कॉलेज को इकोनॉमिक्स के लिए ट्रॉफी कब मिली थी? नहीं याद है ना? वो इसलिए क्योंकि इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, आखिरी बार हमारे कॉलेज के लिए वो ट्रॉफी मैं जीत कर लेके आया था। उसके बाद से भोसले इंस्टीट्यूट में वो ट्रॉफी आज तक नहीं आई है। पिछले 5 साल में हमारे कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी के टॉप 3 में भी नहीं आ पाया, लेकिन सभी में वो काबिलियत है, वो हमारे कॉलेज के लिए वो सब हासिल कर सकती है। और ये मेरा ख्याल नहीं है, ये मेरा यकीन है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप उसे हॉस्टल रूम ही नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब आपको मेरे यकीन पर शक है। ऐसे में तो फिर मुझे रिजाइन ही कर देना चाहिए ना? ऐसी बातें कर रहे हैं तो कॉलेज में किसी भी लड़की का होना ना होना मेरे लिए इतने मायने नहीं रखता कि मैं तेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करूं।